अस्सलामुअलैकुम। आज हम 7th क्लास के नेक्स्ट MCQs करते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट कर ली है, तो आप लोग ये करते रहें कि जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप लोगों ने PPSC का किसी भी किस्म का एग्ज़ाम देना है तो ये बेसिक MCQs हैं, आप लोग इसको साथ साथ करते रहें तो आप लोग का फ़ायदा होगा। जो MCQs स्किप करके आते हो आप लोग पेपर में मैथ के, तो वो आप लोग नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये मैथ वालों के लिए तो ईजी है, जो दूसरी सब्जेक्ट वाले लोग हैं जैसे जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश वाले, तो वो ये MCQ साथ साथ करते रहें। एजुकेटर्स की जॉब तो जब मर्जी आए, बट जो PPSC के थ्रू आ रही हैं अभी जॉब्स किसी भी किस्म की, उसमें मैथ इंक्लूड लाजमी होती है। हम स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q के फॉर्म में लिखे जाएँ और Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, -3/7, 2/5, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम पहले हमसे यूज़ करते हैं, कहता है कि 3/10 डिवाइड करना इसके साथ 1/4/5 के साथ। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। 1/4/5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 आ गया, फिर इसके अंदर 4 ऐड करना है तो ये बन जाएगा 9। तो ये वाला सॉल्व होके बन गया 9/5 और ये बन गया 10। अच्छा, जिस जगह पे दो रैशनल नंबर्स के दरमियान डिवाइड की फॉर्म आ रही हो तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना और इन वालों को चेंज कर देना, 5/9 बन जाएंगे और ये 3/10 बन जाएगा। अब ये देखें कैंसिल आउट करना है हमने, 5/1 = 5, 5/2 = 10, 3/1 = 3, 3/3 = 9। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाता है 6, तो 1/6 इसका क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा पहले MCQs का। नेक्स्ट करते हैं, कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 का। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है कि आप लोग इस नंबर को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। अब 1/4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर में हमें 1 दे दे, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल आउट हो के आंसर क्या दे देगा, 1। अगर ये इधर पूछो तो एडिशन के लिहाज से तो हम कोई भी नंबर ऐड करते जिससे 0 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 13/20 - 7/20। अब ये दो रैशनल नंबर्स गिवन है, कहते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट करके बताएं कि क्या आंसर आता है। अच्छा, इनको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि अगर नीचे दोनों सेम वैल्यू हो तो आप लोगों ने 1 लिख लेनी है और ऊपर वाले दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 13 में से माइनस सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6/20 बन जाएगा। अब ये 2 पे कैंसिल आउट होता है, इसको कैंसिल आउट कर दें, 3/2, 1/2, 0/0, तो 10 बन जाएगा। अब ये क्या आंसर बन गया, 3/10 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, 11+-7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन PPSC के हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग अगर 1 से 2 बार 3 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन की, तो हम कभी भी नहीं छोड़ के आएंगे टेस्ट में। अच्छा, अब ये कहता है कि 11 का 11 आ गया, ये वाला माइनस बाहर आके क्या कर देगा, माइनस बन जाएगा तो 7 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, तभी माइनस है, तभी माइनस है, दोनों माइनस के हों तो दोनों रकमें ऐड हो जाती हैं, बट उसके साथ लगता माइनस ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं a - b, इफ़ a की वैल्यू गिवन है इधर 9/1/6, बी की वैल्यू गिवन है 5/2/6। अब इनको कहता है कि सॉल्व करें। अब पहले हम इनको इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, रैशनल फॉर्म में ले आते हैं, फिर हम इसका आंसर निकालते हैं। हम पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 54 आ जाता है, और फिर हमने उसमें क्या कर देना है, 54 में 1 ऐड कर देना तो ये 55 बन जाएगी ए की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह हम बी की वैल्यू पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, बी की वैल्यू क्या बनती है, 55/6 बन जाएगा, और ऐसे ही बी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ये देखेंगे ए की वैल्यू बन गई और ये बी की वैल्यू बन गई, ए की वैल्यू 55/6 बन गई और बी की वैल्यू 32/6
सिक्स बन गई। और हमने ये जो फार्मूला इधर गिवन था ना, ए माइनस बी, इसके अंदर हमने पुट कर दिए। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मैं दोबारा लिखती हूँ, ए माइनस बी के अंदर ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, 55 ओवर ए माइनस 32 ओवर ए बन जाएगा। अब ये देखें, इसके नीचे भी दोनों सेम वैल्यू है, हमने इनमें से एक सिक्स लिख लेना है और 55 को 32 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये कितना बन जाएगा, 23 ओवर 6 बच जाएगा। अब हमने इस फॉर्म में लेके आना है, तो आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 23 को अंदर रखना है और 6 को बाहर रखना है। अब इसको डिवाइड करें, इसको हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है, 18, और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से इधर से 13 में से 8 गया, कितना बचता है, 5। अच्छा, अब जो चीज़ नीचे लिखी हुई होती है उसको हमने ऊपर लिखना है, ठीक है, और जो ऊपर लिखी हुई थी उसको साइड पे लिखना होता है, और ये जो इधर होती है 6 को वैसे का वैसे ही लिखना होता है। ये इस तरह लिखा जाता है इस फॉर्म में दोबारा लेके आने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, क्या कहता है कि एडिटिव इन्वर्स 1/7 का एडिटिव इन्वर्स। अब ये एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है, हमने ज़ीरो लेके आने, अब इसको 1/7 को ज़ीरो हम कैसे कर सकते हैं, अब ये प्लस का है, अब इसको किसी भी 1/7 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या दे देंगे, ज़ीरो दे देंगे। तो ये 1/7 पॉजिटिव का था, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बन जाएगा, -1/7। अब इधर भी पूछ रहा है कि एडिटिव इन्वर्स -10 का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जीरो है, अब हम इसको +10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों आउट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर क्या दे देगा, ज़ीरो। नेक्स्ट करते हैं, सम ऑफ द नंबर्स एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज, दो नंबर को सम करो तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या बनता है, ज़ीरो। जैसे कि ए प्लस और -1 के साथ सम करें, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, दोनों आप कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या दे देंगे, ज़ीरो। ये बेसिक से फार्मूले हैं, आप लोग इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें तो ये आप लोगों को आ जाएंगे। अगर आप लोग इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश, इस्लामियात और जीके की जो जो चीज़ें आती, जैसे साइंस आ जाती है, पाकिस्तान हिस्ट्री आ जाती है, अफेयर करंट अफेयर, ये करते रहते हैं, तो इधर से अगर ये एक बार देखने से आप लोगों को ये हो जाता है, तो आप लोग ये करें सबसे पहले, उनको भी करते रहें साथ साथ, इसको भी कर लें, ताकि आप लोगों का कोई भी MCQs ना रहे। और PPSC का तो एग्ज़ाम वैसे ही बहुत टफ होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, डेली बेसिस पर हम एक एक वीडियो करते रहेंगे इसके।